हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे आर्किटेक्चर चैनल ग्रीस आर्किटेक्चर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 15 फिट बाई 30 फिट की प्लानिंग। ये जो प्लॉट है हमारा 50 गज का प्लॉट है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, ये हमारा 15 फिट बाई 30 फिट का प्लॉट साइज है। इस प्लॉट के 3 अदर साइड अदर लोगों की प्रॉपर्टी हैं, 1 साइड हमारा रोड है। तो ये हमारा रोड रहेगा, ये इसका ग्राउंड फ्लोर प्लान है। यहाँ से हमने एंट्री दी हुई है। ये जो एंट्री हमारी 7 फिट की एंट्री रहेगी, यहाँ से आप एंट्री करेंगे, ये आपके लिए स्टेयर केस मिलेगा। सेपरेट स्टेयर केस है फर्स्ट फ्लोर के लिए, और ये जो स्टेयर केस है हमारा 3 फिट चौड़ा रहेगा। यहाँ से आप घर के अंदर एंट्री करते हैं ग्राउंड फ्लोर पर। सामने आपके लिए लॉबी एरिया मिलेगा और इस साइड आपके लिए किचन मिलेगा। किचन का साइज रहेगा हमारा 6 फिट 10 इंच बाई 8 फिट। ये हमारा सिंक है, ये हमारा गैस स्टोव है, ये हमने विंडो दिया हुआ है वेंटिलेशन के लिए, जिससे किचन का धुआं रोड की साइड आराम से निकलता रहे और किचन में ज़्यादा गर्मी ना हो। ये आपके लिए लॉबी मिलेगा, ये हमारा सोफा है। लॉबी का साइज रहेगा हमारा 6 फिट 10 इंच बाई 10 फिट 0 इंच। फिर यहाँ आपके लिए ये ओपन और यूटिलिटी एरिया मिलेगा, यहाँ आप अपनी वॉशिंग मशीन वगैरह रख सकते हैं, कपड़े सुखा सकते हैं। इसका साइज मिलेगा आपके लिए 7 फिट 7 फिट 4 इंच बाई 2 फिट 7.5 इंच। और यूटिलिटी से आप जाएंगे टॉयलेट में, ये टॉयलेट रहेगा हमारा, ये शावर एरिया है, ये टॉयलेट सीट है और ये हमारा वॉश बेसिन है। टॉयलेट का साइज रहेगा हमारा 7 फिट बाई 4 फिट। फिर यहाँ से आप लॉबी से पीछे जाएंगे, ये आपके लिए बेडरूम मिलेगा, ये हमारा बेड है, ये हमारा टीवी यूनिट है, ये हमने वेंटिलेशन के लिए विंडो दिया हुआ है, और ये हमारा वार्डरोब रहेगा। वार्डरोब बेडरूम का साइज मिलेगा आपके लिए 14 फिट 3 इंच 14 फिट 3 इंच बाई 9 फिट 9 इंच। 14 फिट 3 इंच बाई 9 फिट 9 इंच बेडरूम का साइज मिलेगा। अब बेडरूम का वेंटिलेशन इस वाली विंडो से होता रहेगा। ये हमारा वार्डरोब रहेगा, ये रहेगा हमारा 1.5 फिट का, 1.5 फिट। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने इस 50 गज के प्लॉट को प्लान किया हुआ है। और इसका फर्स्ट फ्लोर भी सेम ऐसा ही बनाया हुआ है हमने, केवल यहाँ आपके लिए बालकनी मिल जाएगा और यहाँ हमारा एक गेट हो जाएगा बालकनी में जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपके लिए प्लानिंग अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगली प्लानिंग में एसी का बताऊंगा मैं, विद कार पार्किंग के साथ, और उसमें 2 रूम होंगे। फ्रेंड्स, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 3D डिज़ाइन देखने के लिए हमारे HS डिज़ाइन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।